Dinesh Rai and Kishore Merchant are blessed with a baby boy. जी हाँ, कल के दिन उनके घर आई है नई किलकारी, नई खुशी, जिसका जो मुख है वो भी हम सभी को देखने को मिल गया है. तो कर लेते हैं उसी के बारे में चर्चा इस वीडियो के अंदर. हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी. अर्लियर दिस ईयर सुकेश यानी कि सुयश राय और किशोर मर्चेंट ने किया था अनाउंस दैट दे वर प्रेग्नेंट विद द फर्स्ट चाइल्ड. जिसके बाद अपनी प्रेगनेंसी को लेकर सुयश और किशोर ने कई मौकों पर कई सारी बातें कही थी. दैट हाउ दिस वॉज अ सरप्राइज प्रेगनेंसी, हाउ किशोर वॉज नॉट प्लानिंग ऑन गेटिंग अ बेबी राइट नाउ. वो अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन दिस केम एज अ ब्यूटिफुल सरप्राइज इन देयर फैमिली, इन देयर लाइफ, एंड दे हैप्पीली एक्सेप्टेड इट. वही 40 पर नेचुरली प्रेगनेंट होने पर भी किशोर मर्चेंट ने सभी को अवेयरनेस फैलाई और कहा कि किस तरीके से इफ वी मेंटेन आवर बॉडीज फिटनेस, अगर हम लोग फिट रहते हैं, अगर हम लोग हेल्दी रहते हैं, सो इवन प्रेगनेंसी कैन हैपन नेचुरली एट द एज ऑफ 40. और अब उनके घर में एक नई खुशी का बंडल आ चुका है विद द बेबी बॉय. और उसका क्या नाम रखेंगे, दिस इज समथिंग वी आर थिंकिंग अबाउट. आपको बता दें कि किशोर मर्चेंट ने अगस्त की स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दिया था दैट एनी टाइम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ शी विल हैव टू गेट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना पड़ेगा और फिर जो है उनके घर में नई रौनक आ जाएगी. जिसके बाद कहीं ना कहीं हम सभी लोग इस चीज का वेट कर रहे थे, व्हेन शी विल गो टू द हॉस्पिटल एंड शी विल गेट हर बेबी डिलीवर्ड. और यहां पर जो है उनकी खुशियों का एक नया ठिकाना आ जाएगा. आपको बता दें, इससे पहले किशोर मर्चेंट जो है बड़ी एक्टिवली उस सुबह तक भी, इनफैक्ट उन्होंने रात के कुछ 2:30 बजे 2:45 बजे अपने बिग बॉस सेशन के बाद बिग बॉस को लेकर शमिता शेट्टी को फेक बोलते हुए एक ट्वीट भी किया था. लेकिन उसी शाम को हमको पता चला दैट किशोर मर्चेंट इज नाउ अ मॉमी विद अ बेबी बॉय. जिसके बाद हमको लगा जैसे बिग बॉस कहीं ना कहीं किशोर मर्चेंट का वो ड्राइविंग फोर्स बना हुआ था वाइल हर प्रेगनेंसी वॉज ऑन. जिसके लिए आप सभी लोगों का क्या है कहना, जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में. बाकी हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे.